सखी मारी पांच रे सपनो मांडवो चाहे लिया पांच रे सपनो मांडवो आ शब्दों रवि साहेब ना से तो त्रिगुणी तोरणिया बंधाणा एटले अने आवो कोण कहे छे अने कोने कहे छे तो रवि साहेबना जीवनमां ज्यारे शुभ विषयनुं प्रागट्य छू ने तो एनो शुभ विचार छे ने ई सूरता ने कहे छे के साहेली हे मारी बहन आ देह छे ने ई 5 तत्वोनो बनेलो छे। ई तत्व एवा छे के जल पृथ्वी तेज वायु ने आकाश आ 5 तत्व सिवाय कोईना देह बनता नहीं, भले मानव होय के पशु पक्षी होय के जनावर होय, पण दरेकनो आ देह रूपी मांडवो जे छे ने ए 5 तत्वोनो ज बनेलो छे। अने आ मांडवो ज्यारे नखाय ने पछी तोरण बंधाय तो तोरण ज्यां सुधी न बंधाय ने तो मांडवो शोभे नहीं, मांडवानी शोभा न उठे। तो तोरण एटले त्रिगुणी तोरण एटले हूँ तो आ 5 तत्वों जे आ देह बने ने त्यार पछी 3 गुणनु प्रागट्य थाय, सत्वगुण रजोगुण अने तमोगुण। आ एना तोरण बंधाय अने आ 3 गुण जो जीवनमां न होय ने तो जीवन जे जीव भावनुं छे ने ई दीपे नहीं। सत्वगुण एने कहवाय के जप करवा, तप करवा, तीर्थ करवा, दान करवो, सेवा करवी, धून भजन करवा, आवा कर्म जे छे ने एने सत्कर्म कहवाय। अने ज्यां सुधी जीवन में सत्वगुण वर्ते ने त्यां सुधी आवी क्रिया थाय छे, अने ज्यारे रजोगुण आवे ने त्यारे सत्वगुण जतो रहे छे। तो रजोगुण एने कहवाय के मकान बनावा, खेतर में काई पण काम करावो, अगर तो काम करवो, हीराना कारखाना चलावा, दुकान खोलवी, कोईपण प्रसंग माटे बाहर गाम जावो, आवा कोईपण धंधा के जे विचार आवे ने अने एने जे धंधो करीने ए रजोगुणी विचार छे। अगर तो ए रजोगुण प्रवृत्ति छे अने आने रजोगुण कहेवाय छे। अने ज्यारे तमोगुण आवे ने त्यारे सत्वगुण अने रजोगुण ए आ 2 गुण जता रहे छे। अने तमोगुण एटले जीवन में क्रोध वर्ते, दरेक साथे उग्रता थी बोले, छोकराओने मारे, बैराने मारे, भाईओ साथे बाधे, गाम में टंटो तोफान करे, खून खराबा करे, जुगार रमे, दारू पीवे, आ बधाय तमोगुणी वाळाना लक्षण छे। तो आ 3 गुण दरेकना जीवन में वर्तता ज होय छे। અને એના તોરણ આ દેહરૂપી માંડવો જે નખાણો છે ને એમાં આ ત્રણ ગુણના તોરણ એમાં જ બંધાય છે। प्रेमनी पीठी सुनाय वरनो नाम अजर जमर से वरनो नाम तो अजर जमर से त्रण गुण से जे सत्वगुण रजोगुण तमोगुण आ त्रणेय गुण में जे नहीं तणाता ने जे त्रणेय गुण ने जाणी ले छे ने जे त्रणेय गुण थी पर बनी जाय छे ने ई गुण नो पति बनी जाय छे अने एने गणपति कहेवाय छे। दरेक गुण नो पति अने आवा गुणपति जेने मांडवे बेहे ने त्यां प्रेम नु प्रगटीकरण थाय छे एटले प्रेम प्रगटे छे। तो प्रेम एटले पोतानु पोता पद परिपूर्ण प्रेमास्पद पद जे छे ने ई पोतानु पोता पद छे ई प्रेम स्वरूप छे। अने आपणे जेने प्रेम मानीए छीए ने ई प्रेम नथी वासना वाळो गंदो प्रेम छे अने आ तो पवित्र प्रेम छे जे परमात्मानुं स्वरूप छे। आवो प्रेम जीवनमां ज्यारे वर्ते ने एने प्रेमनी पीठी सोळी कहेवाय एटले आवो प्रेम जेने धारण कर्यो कहेवाय। आवो प्रेम जेना जीवन में वर्ते ने ये आवो वरराजो जे छे ने ई वरनु नाम एवुं छे के जे अजर होय अने अमर होय। तो अजर एटले जर नहीं जरा एटले गटपण वृद्धावस्था आने क्यारे वृद्धावस्था न आवे ये अजर छे एने अजर कहेवाय गटपण विनानो अने अमर एटले एनुं क्यारे मृत्यु न थाय आने अजरा अमर कहेवाय। एवुं जे होवुं छे ई आत्मपदनुं छे ई ब्रह्मपदनुं छे। आवो जे ब्रह्मपद छे ने ई पोतानुं पोता पदनुं छे। तो आवा गीतड़ा गवाय एटले तो आवुं संतोनुं कहेवानुं छे। आवी जाणे वाणी जे उच्चारवी ने ई आ जे आत्म स्वरूप छे ने परमपद जे वररादो आ एना गीतड़ा छे। अने जांगड़ियों साबदी थाय आ धीरजना ढोलवा गया, धीरजना ढोलवा गया बाजी। तो आवाज वरावो से ने ये परमात्मा एनी जान में जवा माटे जानड़ियो तो जोईए। जानड़ियो विना जान शोभे नहीं, तो जानड़ियो साबजियो थाय एटले तैयार थाय छे। जो व्यवहारिक दिशा में जय कोई ने जान में दीकरी जवा तैयार थती हो आनंद में हो हर्ष में होटली तैयार थती हो काम के हूँ केम अने केवी रीते तैयार थाव तो हारी लागू। माटे तैयार थाय छे। तो आ तो दरेक नो राजा छे आत्म राजा। एनी जान में 5-7 साहेलियो साबजू थाय तो ई कोण? तो 5 ज्ञान इंद्रियो अने 5 कर्म इंद्रियो 10 अने बुद्धि अने वृत्ति 12। तो आप 5 ने 7 5-7 जानड़ियों के कहवाय ने 5-7 साहेलियों 12 थाय। तो आप 12 इंद्रियों हाबदी थाय छे एटले तैयार थाय छे के हूँ दरेक जानड़ी में हारी देखाव एवी दरेकनी कोशिश होय छे। एटले दरेक इंद्रियो ज्ञानमय बनी जाय छे अने आवी इंद्रियो ज्यारे ज्ञानमय बनी जाय ने पछी धीरजना ढोल वागे। त्यां सुधी धीरजना ढोल नथी वागता। तो धीरजना ढोल एटले धीरज एने कहेवाय एक तो पोतानुं स्वरूप अने सद्गुरुनो आपेलो जे बोध एमांथी क्यारेय जे जिज्ञासु विचलित न थाय। गमे एवुं आवरण आवे तोय पण पोता पदने छोड़े नहीं, अगर तो अहींयाथी विचलित न थाय एनी स्थिति स्वरूपे ज होय। आने धीरज कहेवाय अने आने धीरजना ढोल वाग्या कहेवाय। अने आवा ढोल जारे वागे ने त्यारे खमैया नी खाली कोई एटले खमैया एटले आनंद अखंड सुखनी प्राप्ति अखंड सुखनो जे आनंद आने खारेक कहेवाय। आने अखंड आनंद नी खाली कोई वेचाय એટલે આવો અખંડ આનંદ છે ને જે અખંડ સુખ છે ને એ જીવનમાં ત્યારે આપણા જીવનમાં વર્તે। सूक्ष्मणा संदेशो लय जाय। पिंगला पिंगला साले बधाववा, पिंगला पिंगला साले बधाववा। આવી ક્રિયા જ્યારે જેના જીવનમાં જાગે ને ત્યારે જે વર છે, જે પદ છે એની જાન છે ને ઝાંપલે, એટલે કે જેનું ઘર છે, જેનું ઠેકાણું છે, જેનું ગામ છે, એને પોતાનું ઠેકાણા ઝાંપલો કહેવાય, ન્યાય પહોંચે છે। અને ત્યારે ઈંગલા અને પિંગલા બંનેનું મિલન થાય છે। અને જ્યારે ઈંગલા પિંગલાનું મિલન થાય ને એને સૂક્ષ્મણા કહેવાય છે। તો એ સંદેશો સૂક્ષ્મણા પહોંચાડે છે, એટલે અખંડ અસ્તિત્વ છે, જે પરમધામ છે, જ્યાં પોતાનું પોતા પોતે ન્યાય સંદેશો પહોંચાડે। ત્યારે આ ઈંગલા પિંગલા એટલે નુરત સુરત એને વધાવવા જાય છે। વધાવવું એટલે એની ઉપર હર્ષિત થઈ જવું, એના ઉપર પ્રસન્ન થવું, એના ઉપર ફિદા થઈ જવું, એની મહાનતા માનવી। અને આવું બને ને ત્યારે જેનું ક્યારે અસત ન બને એવું જે હોવું છે એને સત કહેવાય। આવો આવો જે સત છે ને એના સોખલિયા ક્યારે છોડાય નહીં, તો ત્યાં સુધી આવા સતના સોખલિયાને છોડાતા। ચાર જુગની સોની રસી બેની અને ધર્મની નાખી વરમાં। ब्रह्माजी बैठा वेद वाचवा, ब्रह्माजी बैठा वेद वाचवा। તો આ ચાર યુગ એટલે સતયુગ, દ્વાપર યુગ, ત્રેતા યુગ અને કળયુગ, આવા જે ચાર યુગના નામ છે। પણ યુગ એટલે સમય, તો સમયના ટુકડા નથી, સીધી લીટીમાં સમય જ છે। પણ આ જે ટુકડા છે ને એ આપણી વ્યવસ્થા ખાતે ટુકડા કર્યા છે। ટુકડાને જે સત્ય માનવા ને એ અજ્ઞાન છે। જેમ આપણો એક આખો દિવસ હોય એમાં હવાર બપોર હાંજ એમ એક જ દિવસના ત્રણ ટુકડા ત્રણ વિભાગ જે આપણે કરીએ છીએ એક આપણી વ્યવસ્થા છે નહીં તો સમય જ છે એમ ચાર જૂબ એટલે એક ધારો સીધી લીટીમાં સમય જ છે पांच टुकड़ा क्या अपनी अज्ञानता से तो चार जुग एटले आपड़ा जे आ चार देह से जे स्थूल सूक्ष्म कारण अने महाकारण एनी ज आ मांडवे आ वरनी सोरी रसाणी से चार जुगनी एटले आ चार देहनी सोरी से आ देहरूपी मांडवामां अने जे आत्मानो धर्म जे छे सत चित अने आनंद ई धर्म ज हासो छे एनी वरमाळा पेरावे छे ने आपणे जे धर्म मान्यो छे ने ई धर्म नथी ई अधर्म छे आपणे तो बीजी वरमाळा पेरी अधर्मनी अने आ धर्मनी वरमाळा जे आ वरने पेरावे ने ये सत्चित ने आनंदनी ये धर्मनी वरमाळा पेरावे ने आपणे जे धर्म धारण कर्यो देहनो धर्म छे असत जड ने दुखरूप ने ओलो धर्म छे सत्चित ने आनंद आ असत जड ने दुखरूपनी धर्म वरमाळा आपणे पेरीश अने आ वराळ जाय तो सत्चित ने आनंदनी वरमाळा पेरीश तो आवी वरमाळा आ वराळाने पेरावीश अने आवी वरमाळा ज्या पेरे ने ज्ञान ब्रह्मा ब्रह्मनी प्रतीति थाय ब्रह्मा जे वेद वांचवा बेसे क्यां बेसे आवी वरमाळा जे पेरे ने एने ज ब्रह्मनी प्राप्ति थाय अगर ए पोते ब्रह्म स्वरूप बने छे अने न्यास ब्रह्माजी वेद वांचो वेद एटले वेद नो अर्थ थाय छे ज्ञान अने आवी समजण आवी क्रिया ज्यारे जेना जीवनो बने ने जेनी करणी शुद्ध अने पवित्र बने ने एने कंसार जेवी लागे आ करणी छे ने बधी ये शुभ करनी ये कंसार जेवी लागे आम इंगला पिंगला ने सूक्ष्म त्रिवेणी भेगी था सर्व संतोनी दया थकी सर्व संतोनी दया थकी मांडवो रवि साहेब गाई रे साहेली बेनी मारो पांच दे तत्वनो मांडवो स्थिति अने आवी समझण आवे अने आवी क्रिया थाय ने त्यारे इंगला पिंगला ने सूक्ष्मणा ए त्रणेयनुं मिलन थाय छे अने त्यारे ते आवा जिज्ञासु ए दरेक संतो दरेक ज्ञानी पुरुषोनी कृपाथी रवि साहब कहे छे कि आवो मारा जीवन में अभ्यास जाग्यो छे अने आवो मैं मांडवो गायो छे। सद्गुरु भगवान नी जय।